उत्तराखंड से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भरी चुनावी हुंकार। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि अगर सत्ता में आए तो उनकी पार्टी गरीबों के लिए न्यूनतम आय गारंटी योजना शुरू करेगी, जो सीधे उनके बैंक खातों में जाएगी। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए एक तय स्तर से नीचे कमाने वाले सभी लोगों को न्यूनतम आय की गारंटी दी जाएगी, जो सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग सत्ता में आया तो इस तरह की योजना शुरू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा। देश में 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और मतगणना 23 मई को की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को देहरादून के परेड मैदान से चुनावी हुंकार भरी। भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में राहुल ने लोगों से आह्वान किया कि वे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जीत दिलाएं। राहुल गांधी ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि एनडीए का 5 साल का कार्यकाल बहुत ही निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता और युवाओं की सरकार चलाएगी। उन्होंने चिंता जताई कि पिछले 65 सालों में देश में बेरोजगारी की दर बहुत बढ़ी है।